साहब भाईजी बुला रही हैं आपको। उन्हें कोई जरूरी काम है आपसे। वो पूछेंगी तो क्या जवाब दूं? वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ऑफिस गए थे? क्या जी गया था। कहा उन्होंने? वो कह रहे थे कि अब्बू अगर जॉब कंटिन्यू करते हैं तो वो उनकी माली तौर पे मदद कर सकेंगे, वरना फिर मुझे उनकी जगह जॉब करनी पड़ेगी। क्या कहा तुमने? इस बात पे मैं क्या कहूँगा अम्मी? जानती हो बेटा, तुम्हें क्लर्की की नौकरी कभी भी पसंद नहीं, लेकिन बेटा ये तुम्हारे अब्बू की जिंदगी और मौत का मामला है। अम्मी आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? आपको पता तो है मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। वैसे भी अम्मी आप मेरी बात को समझें, ऑफिस वाले हमें उतना नहीं देंगे जितनी हमें ज़रूरत है, हमें कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। और आप तो जानती हैं मेरे बाहर जाने का भी हो गया। जानती हूँ बेटा, हमने तुम्हें बच्चों के लिए बना कर रखे हुए थे, सबिया की शादी कर दी, तुम्हारी पढ़ाई के लिए संभाले हुए थे। अम्मी आप मजीद मामू से बात करें, शायद वो हमारी हेल्प करें। कर तो सकती हूँ बेटा, लेकिन मैं उन पे ये पैसों का बोझ नहीं डालना चाहती। पहले ही वो एक भाई की मदद कर रहे हैं, मतलब मैं उनको अपने लिए परेशान नहीं करना चाहती। अम्मा इसमें हर्जी क्या है? हर्जी क्या है? अपने आप को अपने अब्बू की जगह पे रख के देखो, वो कभी जाकर उनसे पैसे मांगते? ऐसा वक्त भी तो नहीं आया अब्बू। ताहिर मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारे अब्बू क्या करते और क्या ना करते। ये लो, ये उनके टेस्ट की फाइल है, पकड़ो पकड़ो। और ये पैसे हैं, जितने भी हैं, जो टेस्ट होते हैं करवाओ, जाओ।